ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में। सब्जेक्ट हमारा कॉस्ट अकाउंट्स है। ये चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर। सम्स वाले पेजेस में आपको लिखना है। ये सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन टू है। थोड़ा सा इसमें लेवल ज्यादा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन डेली वेजेस एंड 6 आवर्स ऑन अ स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स। अब ये कंफ्यूजिंग है थोड़े शब्द। अ वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन डेली वेजेस, ये 9 आवर्स होगा हमारा स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। एंड 6 आवर्स ऑन अ स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स, ये 6 आवर्स होगा हमारा एक्चुअल टाइम टेकन। तो मैंने क्या किया, ये 9 आवर्स और 6 आवर्स को अच्छी तरह एक डायग्राम टाइप लिख के रखा है मैंने। 9 आवर्स होगा हमारा टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 9 आवर्स। और इसने एक्चुअली में टाइम जो बाय रिजल्ट्स लिखा हुआ है वो है एक्चुअल टाइम टेकन है 6 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन है 6 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 9 आवर्स और एक्चुअल टाइम टेकन है 6 आवर्स। अब ऑब्वियसली आप माइनस कर दोगे 9 माइनस 6, तो टाइम सेव आ जाएगा 3 आवर्स। मतलब हमारे इस वर्कर ने 3 आवर्स टाइम सेव किया। ठीक है, आगे मैं फिर से रीड करता हूँ। अ वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन डेली वेजेस एंड 6 आवर्स ऑन अ स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स। हिज डे रेट इज 0.25 पैसा पर आवर। तो हम लोग पैसों में नहीं लिखेंगे, हम लोग 25 पैसे पर आवर को ऐसे लिख देंगे, 0.25 रुपीज पर आवर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 पैसा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 पैसे, तो मैंने उसको लिख दिया 0.25 रुपीज पर आवर। आगे इसके आगे जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। द मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹4। तो ये जो मटेरियल दिया है, द मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹4, मटेरियल कॉस्ट इज ₹4 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। ये मटेरियल ₹4 और फैक्ट्री ओवरहेड्स 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट अलग से एक चैप्टर है, मैं तो ऐसा बोलूंगा अलग से एक सब्जेक्ट है कॉस्ट शीट के ऊपर। तो उसके अंदर ये मटेरियल ₹4 कहां पे आता है, ये मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹4, मटेरियल इक्वल टू ₹4 और फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, OH मतलब ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये सब कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये लास्ट में काम आएगा जब हम लोग एक कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो उसमें ये मटेरियल ₹4 और फैक्ट्री ओवरहेड्स 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये सब मैं बताऊंगा, एक कॉस्ट शीट ड्रॉ करके बताऊंगा। फिर यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट शीट के अंदर आता है। मैंने पूरा फॉर्मेट नीचे ड्रॉ करके रखा है, सुनते रहना, फॉर्मेट याद करना कॉस्ट शीट का। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट, उसके लिए आपको पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर टाइम बेसिस एंड पीस बेसिस, मतलब टाइम वेज प्लान एंड पीस वेज प्लान। ठीक है, अब ये जो नंबर्स क्वेश्चन में दिए हुए 9 आवर्स, 6 आवर्स और 25 पैसे, पहले ये चेक करते हैं हमने सही लिखा है। ये 9 आवर्स, 6 आवर्स और 25 पैसे, ये हमने सही लिखा है। 25 पैसे मतलब हमने लिखा है 0.25 रुपीज। तो 9 आवर्स इज स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, 6 आवर्स इज एक्चुअल टाइम टेकन, तो 9 माइनस 6 बाकी बचेगा 3 आवर्स टाइम सेव्ड, और वेज रेट है 0.25। अब हम लोग टाइम वेज प्लान और पीस वेज प्लान का फॉर्मूला लगा देते हैं। पीस वेज प्लान का फॉर्मूला क्या होता है, पीस वेज प्लान का फॉर्मूला होता है ये टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 9 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट है 0.25 रुपीज पर आवर। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ये होता है 2.25 रुपीज। ये टोटल वेजेस आ गया अकॉर्डिंग टू पीस वेज प्लान, उसमें होता है ये वाला 9 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 0.25। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टाइम वेज प्लान। टाइम वेज प्लान में आता है ये वाला एक्चुअल टाइम टेकन 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 0.25 वेज रेट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये हमारा टाइम वेज प्लान सेकंड पॉइंट। आप ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट पॉइंट पीस वेज प्लान और सेकंड पॉइंट टाइम वेज प्लान। तो इसमें एक्चुअल टाइम टेकन होता है 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 0.25 रुपीज पर आवर, तो हमारा टोटल वेजेस हो जाएगा 1.5 रुपीज। यहां तक तो क्वेश्चन वन जैसा ही है। इसके बाद आता है हमारा कॉस्ट शीट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले कॉस्ट शीट में अमाउंट्स पे ध्यान नहीं दो,
मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करो। ये अमाउंट्स मैंने सारी डिलीट कर दी, मेरे को चाहिए कि आप पहले पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करो। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, इसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट लेबर, ओके। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आएगा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दोनों को प्लस करके जो टोटल आएगा उस टोटल को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों का कॉस्ट शीट चैप्टर नहीं किया हुआ है इसलिए ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। पहले डायरेक्ट मटेरियल आएगा, फिर डायरेक्ट वेजेस आएगा, दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आएगी उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करेंगे, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स को फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, या इसका एक और नाम होता है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। अब याद रखना ऑन कॉस्ट अलग बात है और सिर्फ कॉस्ट अलग बात है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ये तीनों एक ही बात है। तो प्राइम कॉस्ट में आप बोल सकते हो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फिर से, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट अलग बात है और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अलग बात है। अब डायरेक्ट मटेरियल आपको याद है क्वेश्चन में 4 रुपीज दिया हुआ था, मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको, ये रहा डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपीज। तो ये दोनों में टाइम वेस्ट प्लान और पीस वेस्ट प्लान दोनों में डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपीज दिया गया, यहाँ पे भी 4 रुपीज और यहाँ पे भी 4 रुपीज। दोनों जगह पे डायरेक्ट मटेरियल आएगा 4 रुपीज। अब पीस वेज प्लान का, पीस वेज प्लान का टोटल वेजेस, पीस वेज प्लान का टोटल वेजेस था हमारा ये वाला 2.25। पीस वेज प्लान का टोटल वेजेस 2.25, तो मैंने पीस वेज प्लान में डायरेक्ट वेजेस में टोटल वेजेस लिख दिया 2.25। अब टाइम वेज प्लान, टाइम वेज प्लान का टोटल वेजेस, टाइम वेज प्लान का टोटल वेजेस था ये वाला 1.5 रुपीज, ये 1.5 रुपीज मैंने लिख दिया। टाइम वेज प्लान का टोटल वेजेस 1.5। अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, इक्वल टू सम ऑफ 4 एंड 2.25। अब मैं 4 और 2.25 को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6.25। ये पीस वेज प्लान का प्राइम कॉस्ट है, पीस वेज प्लान का प्राइम कॉस्ट 6.25 और टाइम वेज प्लान का प्राइम कॉस्ट 5.5। सिंपल भाषा में बोले तो 4 और 2.25 दोनों को प्लस कर दिया 6.25 और यहाँ पे 4 और 1.5 को प्लस कर दिया 5.5, ये प्राइम कॉस्ट आ गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जितना भी हमारा डायरेक्ट वेजेस होगा उसका 150%। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये मटेरियल हो गया 4 मटेरियल 4 क्वेश्चन में दिया हुआ, डायरेक्ट वेजेस हमने फाइंड आउट किया पीस वेज का और टाइम वेज का, बाकी बचा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्डेड शब्द नहीं होता है, रिकवर्ड होता है। तो आप फिलहाल ऐसे ही समझो रिकॉर्डेड, जब कॉस्ट शीट सिखाऊंगा तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिकवर्ड मतलब क्या, फिलहाल आप रिकॉर्डेड ही समझो। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकॉर्डेड एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब पहले वाले का डायरेक्ट वेजेस है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100। पहले वाले का डायरेक्ट वेजेस है मतलब पीस वेज प्लान का डायरेक्ट वेजेस है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, सॉरी 2.25 मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100, 150%, 3.38 आया। इसी तरीके से दूसरे वाले का डायरेक्ट वेजेस है 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100 ये आएगा 2.25। अब हम इन दोनों अमाउंट को प्लस कर देंगे, मतलब प्राइम कॉस्ट
6.25 और फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3.38, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी टाइम वेस्ट प्लान में भी ये वाला 5.5 और ये वाला 2.25, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 7.75। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फैक्ट्री कॉस्ट और ये राइट है, ठीक है। तो अगर आप मटेरियल और वेजेस दोनों को प्लस करोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा, फिर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में 4 + 2.25 = 6.25, फिर 6.25 + 3.38 = 9.63। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि फैक्ट्री कॉस्ट कितना है पीस वेज प्लान का और टाइम वेज प्लान का। तो पीस वेज प्लान का फैक्ट्री कॉस्ट है 9.63 और टाइम वेज प्लान का फैक्ट्री कॉस्ट है 7.75। डन कंप्लीट, ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छी तरह। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखो अच्छी तरह। ये क्वेश्चन है, ये वर्किंग नोट्स आ रहे हैं, लिखना जरूरी है। ये 25 पैसे मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 0.25 रुपीज सही है। ये पीस वेज प्लान, ये टाइम वेज प्लान और ये हमारा कॉस्ट शीट। यहाँ पे कैलकुलेशन लिख दूं मैं, यहाँ पे आएगा ये जो 1.5 रुपीस वेजेस था मल्टीप्लाई बाय 150%, 1.5 का 150%, तो 2.25 होता है और यहाँ पे 2.25 का 150%, तो 3.38 होता है, ठीक है। लिखो सब लोग अच्छी तरह, लिखना जरूरी है बेटा, मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ, लिखना जरूरी है, लिखते रहो।